नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। जिला नर्मदापुरम सिवनी मालवा एसडीओपी राजू रजक ने जानकारी देते हुए बताया कि आचार संहिता के मद्देनजर दिनांक 20/3/2024 को अवैध मादक पदार्थ गांजा के परिवहन की मुखबिर सूचना मिलने पर तत्परता से पुलिस टीम गठित की गई और लोगों की धरपकड़ हेतु रवाना हुई। उक्त टीम तत्परता से रवाना होकर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान नहर की पुलिया नाहर कोला खुर्द पर आड़े में खड़ी रही और जैसे ही मुखबिर द्वारा बताए हुलिये की उक्त मोटरसाइकिल आई, जिसे घेराबंदी कर रोका गया एवं नाम पता पूछा गया, तो वाहन चलाने वाले ने अपना नाम संजू उर्फ जगदीश पिता मोहन लाल यादव उम्र 40 साल और जो निवासी टिमरनी का बताया गया है। वहीं पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम राजेश पिता रमेश उइके उम्र 40 साल और निवासी टिमरनी बताया, जिनके आधिपत्य में रखी प्लास्टिक की बोरी की तलाशी ली गई, जो बोरी में मादक पदार्थ गांजा होना पाया गया। बता देते हैं जो कि एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार तलाशी की कार्यवाही की गई और उक्त बोरी के अंदर मादक पदार्थ गांजा भरा पाया जाने पर मौके पर उक्त गांजे की तोल करने की व्यवस्था कर मौके की कार्यवाही की जाकर उक्त मौके की कार्यवाही कर आरोपी संजू उर्फ जगदीश पिता मोहन लाल यादव और दूसरा आरोपी राजेश, जिसकी उम्र 40 वर्ष है, उन दोनों को टिमरनी से 6 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा परिवहन हेतु प्रयुक्त की गई एक मोटरसाइकिल CT 100 क्रमांक MP41MZ4272 गांजा की कीमत 90,000 रुपये जब्त की गई और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। श्रीमान महोदय द्वारा मादक पदार्थ के प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए और इसी निर्देश के समय में नाथ हम लोगों द्वारा एक टीम गठित की गई थी और इस टीम में धारा प्रभारी शिवपुर विवेक यादव ने अपनी टीम से बहुत अच्छा कार्य करते हुए एक मुखबिर से सूचना को डेवलप करा और नाहर कोला नहर तिराहे के पास दो आरोपियों को पकड़ा और पकड़ने के बाद उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से मोटरसाइकिल में 6 किलो गांजा जिसकी कीमत लगभग 90,000 रुपये और एक मोटरसाइकिल CT 100 जिसकी कीमत 25,000 रुपये वो पकड़ी गई और उनको लाकर अभी पूछताछ चल रही है। NDPS का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और अभी और उनसे बातचीत करके पूछताछ करके सख्ती से और भी आगे कार्रवाई की जा रही है। सिवनी मालवा से अरुण कश्यप की खास रिपोर्ट और भी खास जानकारी के लिए जुड़े रहिए डीवी न्यूज़ के साथ।